देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। समाज सेवी त्रिभुवन कुमार ने कहा कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुशेश्वर स्थान प्रखंड के सिमराहा गांव के अकोनमा टोला वार्ड नंबर 9 में ठक्को यादव उचित यादव राजेश यादव ठक्को यादव निकेश यादव ठक्को यादव के घर में आग लग जाने के कारण 3 घर जल गए और 2 भैंस पूर्ण रूप से जल जाने की दुखद जानकारी प्राप्त हुई है। अंचलाधिकारी काशिफ नवाज, चिकित्सा पदाधिकारी, संबंधित राजस्व कर्मचारी को घटनाक्रम की जानकारी देते हुए पीड़ित परिवार को तत्काल उचित मुआवजा देने, भोजन की व्यवस्था करने, सरकार के द्वारा अधिकृत प्लास्टिक पॉलीथीन देने के अनुरोध किए गए। वहीं अंचलाधिकारी ने घटना की जानकारी दी और पानी की व्यवस्था करते हुए फायरमैन और राजस्व कर्मचारी को निर्देशित कर सही जानकारी देने को कहा। अंतर्गत सिमराहा गांव के ओकनमा टोल वार्ड नंबर 9 जो हमारे जन्मभूमि क्षेत्र पड़ता है और हमारे ही दुर्भाग्य से हमारा ही गांव है, उस गांव में ठक्को यादव पेशर उचित यादव राजेश यादव पेशर ठक्को यादव निकेश यादव पेशर ठक्को यादव के घर में आग लग जाने के कारण लगभग में 3 घर के जलकर राख हो गया है, लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गया है और 2 मवेशी, एक वैसी और उसके एक बच्चे पूर्ण रूप से जलने की जानकारी प्राप्त हुआ है। घटनाक्रम की जानकारी के उपरांत संबंधित अंचल अधिकारी आनंद काशिफ नवाज साहब से दूरभाष पे बात किए, पशु चिकित्सा पदाधिकारी से बात किए, बातों उपरांत अंचल अधिकारी को राजस्व कर्मचारी को घटनास्थल पर भेजे हैं। हम यही अनुरोध करना चाहते हैं अंचल अधिकारी महोदय से, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से और जिलाधिकारी महोदय से, पीड़ित परिवार को यथासंभव समयानुसार तत्काल भोजन उपलब्ध करवाया जाए। राहत हेतु प्लास्टिक जो सरकार के द्वारा निर्धारित सुविधाएं हैं, प्लास्टिक के अलावे निर्धारित जो राशि है अति शीघ्र उपलब्ध कराने का कृपा प्रदान। उत्पाद विभाग की पुलिस के द्वारा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में शराब के खिलाफ अभियान चलाकर छापेमारी की गई, जिसके तहत 19 पुरुष और 1 महिला सहित 20 लोगों को शराब मामले में गिरफ्तार किया गया है। बिहार में शराब बंद है, इसके बावजूद लोग शराब पीने से लेकर दारू शराब के कारोबार से जुड़े हुए हैं और ऐसे ही लोगों पर नकेल कसते हुए उत्पाद विभाग की टीम ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। कहां से इन लोगों को पकड़ा गया? ये है बहरी थाना का है और सदर थाना का भी है, कुछ जो मनीगाछी क्षेत्र से पकड़ाया है और बहरी थाना के जो है मोहली गांव से पकड़ाया है। इसमें किन किन मामले में ये लोग पकड़े गए? ये कुछ तो है पीने वाले जो पी करके पकड़ाए हैं पीने में और कुछ शराब के साथ में पकड़ाया है। महिला भी पकड़ाई है? हाँ, एक महिला पकड़ाई है। ये किस मामले में पकड़ाई? ये भी शराब के साथ में पकड़ाई है। कौन सा शराब कितना बरामद हुआ है इनके पास? इनके साथ चुलाई शराब करीब 2 लीटर के करीब पकड़ा है। तो ये इन तमाम लोगों के क्या कुछ कार्रवाई इन लोगों के ऊपर की जा रही है आगे की कार्रवाई? अब इनको तो कोर्ट भेजा जा रहा है, वहाँ से जो निर्णय लिया जाएगा। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ, आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। मनोरंजन ही मनोरंजन, अब आपके शहर दरभंगा पुरानी बस स्टैंड में डिज्नीलैंड मेला लगाया गया है। इस मेले में मीना बाजार बच्चों के लिए टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला के साथ साथ बच्चों के लिए मनमोहक खिलौने एवं अलग अलग प्रकार के फैंसी ड्रेसों के साथ साथ अनेकों प्रकार के लजीज व्यंजन भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए और मेला का आनंद उठाइए। शादी का प्रलोभन देकर 5 साल तक बनाया शारीरिक संबंध, अब किया शादी से इनकार, मामले की शिकायत महिला थाने पहुंची।
कोचिंग में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही लड़की को शादी का प्रलोभन देकर 5 साल तक शारीरिक संबंध बनाने और अब लड़के की शादी से इनकार कर रहा, यह मामला रविवार को प्रकाश में आया। पीड़िता ने इस संबंध में महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर आवेदन दिया है। अररिया जिले की रहने वाली लड़की ने थाना में दिए आवेदन में कहा है कि पटना में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही थी, इसी दौरान वर्ष 2017 में जाले थाना क्षेत्र के लतरहारा निवासी श्रवण महतो के पुत्र पुरुषोत्तम कुमार उर्फ सनी से उसकी दोस्ती हो गयी। उसने साथ जीवन व्यतीत करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। कुछ दिन बाद सुख दुख में साथ देने की बात कहकर पति पत्नी की तरह रहने लगे। आरोपी ने अपने पैर पर खड़ा होने के बाद शादी करने की बात कहा। उसकी नौकरी लग गई तो टाल मटोल करने लगा, फिर कहा कि अगर मुझे दहेज में कार और नगद रुपया मिलेगा तो तुमसे शादी करूंगा। जब दहेज देने में सक्षम नहीं होने की बात कही तो वह शादी से इनकार करने लगा। जब लड़की उसके लतरहारा गई तो उसके घर वालों ने लड़की के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने कहा कि शादी के लिए दबाव दोगी तो अश्लील फोटो वायरल कर दूंगा। थाना अध्यक्ष नुसरत जहां ने बताया कि मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पटना में कोचिंग सेंटर में, फिर हमारी दोस्ती हुई और फिर जाकर के ट्रस्ट बिल्डअप हुआ गुड फेथ। फिर 2017 से हम लोग रिलेशनशिप में आए और पहले से ही शादी की प्रॉमिस थी मैरिज की डे वन से। तो मैं हमेशा बोलती थी शादी के लिए, मतलब प्रेशर करती थी तो बोलते थे कि नहीं हमको अपने पैर पे खड़े होने दो, और मतलब जब तक हम पैर पे खड़े नहीं होंगे तो कैसे शादी करेंगे। इस तरह करते करते टाल मटोल करते रहे। फिर 2019 में जो है ये बांसघाट काली मंदिर है वहाँ पे हमको विश्वास दिलाने के लिए कि बोले कि ठीक है हम शादी कर लेते हैं। तो हम बोले कि आप शादी कर रहे हैं तो सामाजिक तौर पे कीजिए या फिर उस तरह मंदिर में ये पंडित जी वगैरह का ये सब ले करके। तो बोले कि नहीं तुमको विश्वास दिलाने के लिए, तो फिर वहाँ पे ऐसे ही सिंदूला शादी कर लिए। फिर मैं बार बार बोल रही थी तो इस तरह करते फिर उनका एक्सीडेंट हो गया 2019 के लास्ट में। फिर बोले कि पैर वैर ठीक होने दो फिर शादी करेंगे। फिर इस तरह करते 2020 भी चला गया। 2021 में जब मैं उनको बोली तो फिर उनका 21 में जॉब हो गया 2021 में। तो फिर मैं बोली अब तो जॉब हो गया अब तो शादी कर लीजिए। तो बोले घर बनने दो, घर नहीं मतलब चूड़ा है घर बनेगा तो शादी करेंगे। घर भी बन गया 2022 में। फिर जा करके मैं बोली तो बोलते हैं कि थोड़ा टाइम दो टाइम दो। का यहीं जाले खंड का है, जाले थाना और लतराहा का है। पुरुषोत्तम जी का नाम है सड़वन महतो, सिम कार्ड कर रहे हैं और दहेज की मांग किए थे 30 लाख रुपया, एक हुंडई गाड़ी जिसमें से हम लोग जो है मुजफ्फरपुर रिसोर्ट का खर्चा उठाने के लिए तैयार थे। जो भी खर्च मतलब होता 2-2.5 हज़ार लोग वो बोले थे हमारे तरफ से आएंगे तो वो खर्च वहन करने के लिए हम लोग तैयार थे। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये लोग जो है देखे कि 30 लाख रुपया हमको नहीं मिल रहा है और गाड़ी, तो फिर हमारे नंबर को ब्लॉक कर दिए। और फिर मैं अररिया थाना गई अपना आवेदन दी तो वहाँ पे का जो हमको पता चला कि वो शादी कर रहे हैं 12 जून को वो शादी कर रहे हैं, तो उनको पता चला इसलिए मैं लहरिया से आया ही रुकवाने के लिए शादी। यही बात है। क्या नाम हुआ? अंशिका। पापा का नाम? सुबोध। घर कहाँ हुआ? अररिया। थाना? अररिया। वेतन मान देने, विद्यालय में शिक्षक का दर्जा देते हुए समायोजन करने इत्यादि मांग को लेकर तालीमी मरकज शिक्षा सेवक संघ की ओर से बैठक का आयोजन किया गया लहरिया सराय में। बैठक की अध्यक्षता की गई मोहम्मद इस्लाम अंसारी, जिला अध्यक्ष तालीमी मरकज शिक्षक सेवक संघ द्वारा। इन लोगों ने कहा कि सरकार इन लोगों को तरह तरह के काम में लगा देती है लेकिन इन लोगों के पास 9,680 रुपया ही दिया जाता है जो कि बहुत ही कम है। पोलो मैदान धरना स्तर पर जो बैठक हुई है ये समर कैंप के लिए एक बैठक हुई है। हम लोग को सर्वसम्मति से इस बैठक में 300 सदस्यीय जितनी भी टीम आए थे सबकी यही राय हुई कि समर कैंप का बहिष्कार किया जाए। आज समर कैंप को बहिष्कार करते हुए हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, श्री तेजस्वी यादव से मांग करेंगे कि हमारे मांग जो है वेतन मान विद्यालय में समायोजन जो जल्द ही पूरा करने का कृपा करेंगे। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी जो 14 अप्रैल बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस पर जो बोले थे कि
कि शिक्षा सेवक ताली मरकज को मानदेय भी बढ़ाएंगे और काम भी बढ़ाएंगे और बहुत ज्यादा आमदनी भी बढ़ा देंगे। हम लोग आज तक कैबिनेट का इंतजार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि श्रीमान जिस पौधा को आपने विगत 2009 में सृजन किए थे आपसे विनम्र विनती किया जा रहा है उन पौधा को आप मुरझा दिए हैं। आपसे एक ही मांग है किसी भी ग्रेड पे से हम लोगों को आप दे दिया जाए जो कि निम्न मजदूरी है 18,000 रुपया उससे भी हम लोगों को आप कम दे रहे हैं। आपसे एक ही विनती है कि हम लोगों को कोई भी ग्रेड पे दे दीजिए उस ग्रेड पे के लिए हम लोग जो ग्रेड पे दे देंगे हम उनका स्वागत करते हैं और नहीं तो संबंध विद्यालय में मुझे समायोजन कर दीजिए। अगर इतना नहीं हो सकता है आपसे तो जहां पर भी रखना है आपको मुझे वहां पर रख दीजिए। इस शिक्षा सेवक ताली मरकज को जिस प्रकार से आपने शिक्षा मित्र को संयुक्त विद्यालय में समायोजन कर दिए उनको ग्रेड पे का लाभ दिए वेतनमान को लाभ दिए उसी प्रकार से इन छोटे छोटे जातियों से आते हुए विभिन्न समुदाय के समाज सेवी को आप ग्रेड पे देते हुए समायोजन कर दीजिए। बिहार जमेतुराइन के अध्यक्ष राई साहिद इकबाल मुन्ना अध्यक्षता में और महासचिव मोहम्मद मुख्तार राइन मुख्तार जी के संचालन में किया गया जिसमें मुख्य परिचर्चा राइन कमेटी को मजबूती राइन बिरादर्स में मिल्लत और आपसी इत्तेहाद पर जोर दिया गया। इस बैठक में शामिल तिरहुत कमिश्नरी के अध्यक्ष मोहम्मद नजीर राइन मोहम्मद शेफुल राइन मोहम्मद अफाक राइन उर्फ बाबू मौजूद थे। जो बैठक हुई है क्योंकि अगला प्रोग्राम जो 18 को रखा गया है विस्तार से उसमें बात रखी जाएगी। अभी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब जो बात किए हैं बात तो रखी गई है उस पर हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं और जो भी इससे पहले कुछ बात हो गई सुस्ती भी हो गया काम भी किए थे इसको हम लोग विस्तार से आगे काम करने के लिए हम लोग एक्टिव हो गए हैं। जिला और प्रदेश जितने भी कमिश्नरी है उसमें हम लोग मेहनत करने जा रहे हैं और जिला ही नहीं गांव गांव तक हम लोग पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रथा में तो उसमें पंचायत करके हो हर संभव हो मिला देना जुला देना उसके बाद कहीं जमीनी मामला हो भाईचारा मोहब्बत में मिला देना जुला देना और तालीम जहाँ तक गांव गांव किस मदरसा कौन मदरसा चल रहा है कहाँ जो है अच्छे तालीम याफ्ता लोग हैं और कहाँ पिछड़ा हुआ है तो पिछड़े हुए तालीम को जो है जोड़ना चाहिए। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। बेनीपुर प्रखंड के तरौनी गांव अवस्थित बाबा नारगा अर्जुन की प्रतिमा पर मिथिला हम मजदूर संघ के सदस्यों द्वारा माल्यार्पण करते हुए उनकी जन्मतिथि पर उन्हें याद किया गया। नारगार्जुन पुस्तकालय परिसर में अवस्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए संघ संयोजक संतोष सिंह ने कहा कि इस बदलते युग में उनके स्मृतियों को समेट कर रखना मजदूरों के हक की बात करना है व इनके अधिकारियों के लिए निरंतर संघर्ष करना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। वहीं मौके पर उपस्थित मिथिला स्टूडेंट यूनियन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज ने बताया कि मिथिला क्षेत्र में वर्तमान में रोजगार धंधों की उदासीनता की वजह से असंगठित मजदूरों का एक जन सैलाब सा है जिन्हें संगठित करने की आवश्यकता है। दरभंगा के ख्याति लब्ध चिकित्सक यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा सिटी के वरिष्ठ सदस्य सह समाज सेवी के लिए सतत अग्रणी भूमिका निभाने वाले डॉक्टर KNP सिन्हा का देहावसान बीते दिनों दिल्ली के एक अस्पताल में हो गया था।
इस खबर को सुनते ही पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई। इसी क्रम में यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा सिटी के अध्यक्ष डॉक्टर आरएलपी सिन्हा की अध्यक्षता में उनके आवास पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी सदस्यों ने स्वर्गीय डॉक्टर केएनपी सिन्हा के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। साथ ही सबों ने उनके विराट व्यक्तित्व और सामाजिक क्षेत्र में उनके अतुलनीय कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। शोक संवेदना व्यक्त करने वालों में मुख्य रूप से क्लब के महासचिव श्रवण बैरोलिया, पूर्व अध्यक्ष सह दरभंगा के प्रख्यात सर्जन डॉक्टर बी वी शाही, दीपक सिन्हा, ललित कुमार खेतान, डॉक्टर बी के मिश्रा सहित कई अन्य सदस्य मौजूद थे। ये थे अब तक के समाचार, विदा लें आपसे। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।